जय हिंद, वेलकम टू A4 कोचिंग। हम इस वीडियो के अंतर्गत समझेंगे अगर कोई 2x2 और 3x3 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स दे रखा है तो उनके अंतर्गत ए स्क्वायर माइनस का एट आई या ए स्क्वायर माइनस का ए के जैसे रिजल्ट बनते हैं ऐसे रिजल्ट ए की क्यूब में बनते हैं। तो आइए वो रिजल्ट कैसे कैसे फाइंड किए जाते हैं, ये कैसे कैसे रिजल्ट आता है उनका, तो आइए इस वीडियो के अंतर्गत समझते हैं। आइए समझते हैं, यहाँ पर मैंने 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लिया है। तो यहाँ पर देखिए कंडीशन कैसे बनती है, एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताते हैं। ए इज इक्वल टू फर्स्ट रो में अल्फा बीटा और सेकंड रो में गामा डेल्टा, तो देन इसका रिजल्ट क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, जो ये मेन डायगोनल है इसके जो एलिमेंट हैं उनका आप सम कर दीजिए और सम करने के बाद मल्टीप्लाई में आएगा ए और प्लस ए मोड इनटू आई इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, क्योंकि इधर वैसा जीरो नहीं है क्योंकि ये नल मैट्रिक्स है, क्योंकि आप मैट्रिक्स में से सम करें या ऐड करें तो इज इक्वल टू मैट्रिक्स के इक्वल होगा, तो ये यहाँ पर नल मैट्रिक्स है। तो आइए यहाँ पर एक उदाहरण लिया है मैंने, इफ ए इज इक्वल टू यहाँ पर दे रखा है फर्स्ट रो में 2x5 सेकंड में 4x1 तो देन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस 3a इज इक्वल टू कितना होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं 15i और 18i, माइनस का 18i और माइनस का 15i। तो आइए आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझाता हूं। तो यहां पर ए मैट्रिक्स दे रखा है 2, 5, 4 और 1 सेकंड रो में 4, 1। तो यहां पर अप्लाई क्या करना है हमें, यहां पर ये अप्लाई करिए क्योंकि यहां पर करना है आपको ए स्क्वायर, तो यहां पर आप ए स्क्वायर करेंगे माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। ये देखिए मेन डायगोनल में एलिमेंट क्या है, 2 और 1 है, तो आप इन्हें ऐड कर दीजिए, सम कर दीजिए इनका 2 और 1, और आउटसाइड कितना यहाँ पर ए लगाएंगे और प्लस ए का मॉडुलस, तो मॉडुलस आप डायरेक्टली बता सकते हैं, यानी कि 2 माइनस का कितना हो जाएगा यहाँ पर 20, तो माइनस का कितना बचेगा, ये माइनस का 18 और यहाँ पर आई इज इक्वल टू कितना नल मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस ये कितना आ जाएगा 3a और माइनस का 18i इज इक्वल टू कितना 0। अब जब यहाँ पर आपको वैल्यू निकालनी है ए स्क्वायर माइनस 3a की, तो ए स्क्वायर माइनस 3a आप इधर ही रहने देंगे और इधर हो जाएगा कितना 18i, और 18i किसके इक्वल हो गया ए स्क्वायर माइनस 3a के, और आपको यही रिजल्ट निकालना था ए स्क्वायर माइनस के 3i, तो किसके बराबर है 18i के। तो ये सेकंड ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पर, राइट हो गया। यहाँ पर मैंने 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लिया है, तो इसकी क्या शॉर्ट ट्रिक है, इफ ए इज इक्वल टू फर्स्ट रो में ए बी सी सेकंड में डी ई एफ और थर्ड में जी एच आई, तो देन रिजल्ट क्या होता है, ए की क्यू माइनस के ट्रेस ए स्क्वायर, यहाँ एक नया नाम आया ट्रेस, तो ट्रेस का मीन्स क्या होता है, जो मेन डायगोनल में एलिमेंट होते हैं इनका ही ये सम होता है ट्रेस, तो ए स्क्वायर प्लस, देखिए यहाँ पर ये कैसे लिखा है, पहले आपको इसकी इससे मल्टीप्लाई करनी है ए ई और प्लस फिर ई आई प्लस फिर आई ए और फिर माइनस कर देना है, आपको इससे गुणा करनी है, यानी कि डी की बी से, तो बी डी प्लस जी सी प्लस एच एफ और आउटसाइड ए माइनस ए का मॉडुलस कर देना है आई इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो देखिए यहाँ पर अल्टरनेट पद ही आएंगे, ए की क्यू प्लस का है फिर माइनस का और फिर प्लस का फिर यहाँ पर ये माइनस का। तो देखिए यहाँ पर एक उदाहरण लिया है, इफ
ए इज इक्वल टू फर्स्ट रो में है 251, सेकंड में माइनस फोर माइनस फाइव जीरो और जीरो सेवन थ्री, ये थर्ड के एलिमेंट है। तो देन फाइंड वैल्यू ऑफ ए की क्यू प्लस का ए। तो आइए इसे आप समझिए बहुत अच्छे से। फर्स्ट रो में 251 माइनस फोर माइनस फाइव जीरो और थर्ड में जीरो सेवन और थ्री। तो सबसे पहला आप देखिए यहां पर ए का मॉडुलस निकालना है। तो जब आप ए का मॉडुलस निकालेंगे तो देखिए जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर आ जाएगा टू, इसे रब करेंगे टू को तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का कितना हो गया 15 और माइनस का जीरो। अगला नंबर माइनस माइनस का आएगा माइनस फाइव, जब आप इसे रब करेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा 12 और माइनस जीरो और प्लस का लास्ट में वन, और जब आप इसकी इससे गुणा करेंगे तो माइनस का 28 और जीरो। जब आप इसे सोल्व करिए तो माइनस का कितना हो जाएगा 30 और ये कितना हो जाएगा प्लस का 60, 60 में से 30 जाएंगे तो 30, 30 में से 28 जाएंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, ए का मॉडुलस 2। यानी कि सबसे पहला रिजल्ट तो यही हो गया, क्योंकि आपको ये निकालना है कि ए मॉडुलस की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। तो आइए आप इसे इस कंडीशन को अप्लाई कीजिए, ए की क्यू माइनस ट्रेस। तो ट्रेस में पहले ही बता चुका हूं मैन डायगोनल का क्या होता है, एडिशन होता है। तो आप जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3 और 2 5 और माइनस 5 घटाएंगे तो यहां पर ये जीरो आ जाएगा और यहां पर ए स्क्वायर। अगला नंबर प्लस ए ई, तो देखिए आप इसकी इससे गुणा करेंगे फिर इसकी इससे गुणा करेंगे फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जब आप इसकी इससे गुणा करेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा 10 और जब आप इसकी इससे गुणा करेंगे तो माइनस का 15 और इसकी इससे गुणा करेंगे तो प्लस का 6 और माइनस, जब आप इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 20 और इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 0 और जब इसकी 7 से 0 गुणा करेंगे तो 0 और आउटसाइड ए माइनस। और ए का मॉडुलस की वैल्यू कितनी है, देखिए यहाँ पर ए का मॉडुलस, तो ए का मॉडुलस की वैल्यू है 2 और आई इज इक्वल टू कितना 0। तो यहाँ पर हो गया ए की क्यूब माइनस ये 0 हो जाएगा इसे लिखें ना, और यहाँ पर कितना आएगा ये प्लस का 20, प्लस के 20 में से तो देखिए यहाँ पर ये माइनस का कितना हो जाएगा 25 और 20 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस के 5, तो यहाँ पर 6 में से 5 जाएगा तो ए ही बचेगा और यहाँ पर ये प्लस का है और माइनस का कितना 2i इज इक्वल टू कितना 0। तो यहाँ से ए की क्यूब और प्लस ए की वैल्यू कितनी आ गई 2i और यही आपको निकालना था कि ए की क्यूब प्लस ए की वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ पर ये 2i के इक्वल है तो ऑप्शन कौन सा हो गया यहाँ पर फर्स्ट राइट, फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पर राइट हो गया। तो इस वीडियो के अंतर्गत अगर कोई कंडीशन दे रखी है 2x2 मैट्रिक्स की या 3x3 मैट्रिक्स के ऑर्डर की, तो उसमें कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर आपको कोई वैल्यू निकालनी है तो आप किस प्रकार निकाल सकते हैं, इस वीडियो के अंतर्गत समझा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत।